हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आई होप गाइज आप सभी सही होंगे और होली को एंजॉय किया होगा सभी ने। ठीक है, तो होली जा चुकी है तो अब थोड़ा कंफर्टेबल जोन से बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि देखो एग्ज़ाम नज़दीक है और जितना पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करो, एक बार दो बार चाहे कम पढ़ो, ये मतलब कि बट इतना पढ़ो कि आपको वो एग्ज़ाम टाइम में जा करके भूल ना पाओ। ठीक है ना, चाहे आप 5 ही यूनिट तैयार करना बट वे 5 यूनिट आपको भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, और मेरी बात मानो तो अगर आप 6 यूनिट भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, मात्र 6 यूनिट, सब जगह भागने की जरूरत नहीं है, 6 यूनिट, और 6 यूनिट में से जो टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उन टॉपिक को अगर आप अच्छे, वैसे मैं कराऊँ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, चाहे 7 यूनिट हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, इवन 13 यूनिट क्यों ना हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है। मैं जितना यहाँ पर करवा रहा हूँ उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको, अगर आप ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि बाद में ही हम देख लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है ना, ये आपकी गलत फहमी है। तुरंत हाथों के हाथ रिवीजन रिकॉल करते हुए चलो, क्योंकि रिवीजन और रिकॉल ज़रूरी है। ठीक है, होली जा चुकी है। ठीक है, और सभी ने होली को एंजॉय किया, मैंने काफ़ी सारों की पिक देखी थी, स्टेटस पर लगा रखी थी उन्होंने, तो काफ़ी एंजॉय किया आपने। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आज के इस टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है लिपो प्रोटीन। ठीक है, लिपो प्रोटीन, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं तो वो देखने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। देखो हमने जो है लिपिड बड़े अच्छे से पढ़ा कि आपका लिपिड क्या होता है। इसके बाद हम फैटी एसिड पर पहुँचे, फैटी एसिड में हमने सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो सब चीज़ देख लिया। सैचुरेटेड कब बढ़ता है, अनसैचुरेटेड कब मिलता है आपको, सैचुरेटेड के कौन कौन से एग्जाम्पल है, जिसमें ना पोल एस, पोल अभी जो है लल्लू लाल एमपी से पोल ए सिलेक्ट किया। ठीक है ना, ये शायद मैंने आपको निमोनिक्स बताया था। ठीक है, इसके बाद अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं, इसके बाद हम बात कर चुके हैं डबल बॉन्ड किस में होता है। ठीक है ना, आपका सिंगल बॉन्ड किस में होता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं, इनके एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं कि कौन कौन से इनके एग्जाम्पल होते हैं। फिर हमने बात करी थी ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, वैक्स क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने इसको भी देखा था। इसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूट पर गए, जिसके 3 कॉन्स्टिट्यूट थे, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड। ठीक है, तो हमने फास्फोलिपिड पढ़ा कि फास्फोलिपिड किस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हमने ग्लाइकोलिपिड पढ़ा, स्टेरॉइड्स पढ़ा, तो ये तीनों भी हम पढ़ चुके हैं, ये तीनों भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि फास्फोलिपिड को किस नाम से और किस प्रकार से प्रोनंसिएट कर सकते हैं, अगर आपका फास्फोटिडाइल कोलीन हुआ तो इसको हम लेसिथिन के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, अगर हमारा फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल हुआ तो उसको डाइफास्फोटाइल ग्लिसरॉल के नाम से जानेंगे, जिसको हम सेफलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो ये सब सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इथेनॉल, एमाइन, सेरीन, इनके बीच इनका जो इन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, 0 चार्ज होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चार्ज का भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि किस पर कौन सा चार्ज होता है। ठीक है ना, इसके बाद ग्लाइकोलिपिड पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड में हमने स्फिंगो पढ़ा था, स्फिंगोसिन्स क्या, स्फिंगोसिन्स से किस प्रकार से आपका स्फिंगोलिपिड बनना था। ठीक है ना, स्फिंगोसिन्स से किस प्रकार से आपका स्फिंगोलिपिड बनना था, देखो अब यहाँ पर मतलब समझो, यहाँ पर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड लगा हुआ है, बट जब हम ग्लाइकोलिपिड में स्फिंगोसिन्स को देखते हैं तब हम बोलेंगे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, वहाँ पर फॉस्फो ये नहीं ऐड होगा। ठीक है ना, वहाँ पर फॉस्फो ऐड नहीं होगा। फिर हमने कोलेस्ट्रॉल को देखा था कि 3 इसमें पेंटोज साइकिल पाई जा रही है। ठीक है ना, 3 कैसी साइकिल पाई जा रही थी, पेंटोज साइकिल पाई जा रही थी, और इसके बाद किस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर थी, हमने वो सब देखा था। स्टेरॉइड बेसिकली तुम्हारे कहाँ से बने हुए होते हैं, तो स्टेरॉइड तुम्हारे जो है लिपिड के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, और स्टेरॉइड के साथ साथ आपका क्या होता है कि कुछ मात्रा में प्रोटीन भी अटैच होती है। अगर स्टेरॉइड के साथ आपकी जो है प्रोटीन अटैच होती है तो फिर उसको बोलते हैं लिपो प्रोटीन। ठीक है ना, एक प्रकार से लिपो प्रोटीन बोलते हैं, बट जरूरी नहीं कि आपका हर स्टेरॉइड लिपो प्रोटीन हो। ठीक है, बट आप समझ सकते हो। इसके बाद हमने इकोसोनोइड देखा, इकोसोनोइड में हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, कैसे कैसे इसका कॉक्स पाथवे था। ठीक है ना, हमने देखा साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, हमने देखा लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे फॉर ल्यूकोट्राइन्स, तो हम ये सारी चीज़ देख चुके हैं, इतना हम पढ़ चुके हैं, और हमने बहुत ही, देखो जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उतना पढ़ा। अब मैं अगर
आप पढ़ना चाहो तो इसको ही आप 25-26 लेक्चर में पढ़ सकते हो, बट कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ से आना होता है, जो आपका CSIR का लेवल है, जो आपका ICMR का लेवल है, जहाँ से गेट पूछता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। नीट में से तो खैर कुछ इसमें से बाहर नहीं आता, जितना मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं तो, नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। तो आप मतलब ये ना सोचे किसी दूसरे मतलब चैनल पर जा रहा हो, वहाँ पर आपको लिपिट लिपिट के ही आपको 25-26 26-26 लेक्चर मिल रहे हैं, तो मतलब इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। जितना पूछा जाता है, जहाँ तक डिटेल में पूछा जाता है, मैं आपको सभी बता रहा हूँ, और जो कि है आपको मतलब एक अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप सीरियल वाइज पढ़ो, ठीक है ना, सीरियल वाइज पढ़ो। और जब मैं कहता हूँ कि लेक्चर 2 से 3 बार देखा करो, तो उसको 2 से 3 बार देखा करो, इसमें आपका ही वैन है फिट है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, प्लाज्मा लिपो प्रोटीन, ठीक है। आज हम प्लाज्मा लिपो प्रोटीन को पढ़ेंगे, और प्लाज्मा लिपो प्रोटीन को पढ़ने के बाद लिपिड हमारा ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म बचेगी, मेटाबॉलिज्म हमारे पास लिपिड की बचेगी, कार्बोहाइड्रेट्स की बचेगी, इसके बाद हमारे पास प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म बचेगी, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म बचेगी, और इन मेटाबॉलिज्म को याद रखो, इन मेटाबॉलिज्म को हम सेल बायोलॉजी के बाद ही पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सेल बायोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम प्रोटीन की सॉर्टिंग पढ़ेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, आपके काफ़ी सारे ग्रुप ऐसे होते होंगे जैसे एसाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ें आपको सेल बायोलॉजी में देखने को मिलेगी, ठीक है। जब हम सेल बायोलॉजी में सारा सारा का सारा बेसिक जान लेंगे, तब हम देखेंगे कि लिपिड की किस प्रकार से हम लिपिड को पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखो, लिपिड की मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो लिपिड की मेटाबॉलिज्म में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, LDL BLDL, मतलब देखो प्लाज्मा लिपोप्रोटीन की आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो चलो जब हम देखेंगे ना कि लिपोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, जब हम मेटाबॉलिज्म पार्ट स्टार्ट करेंगे तभी हम देखेंगे, तो इसलिए आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने की, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्गेनल का कौन सा फंक्शन होता है, ठीक है, स्पेशली फंक्शन कौन सा होता है, कहाँ से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, कहाँ पर आपकी प्रोटीन की सॉर्टिंग हो रही है, कहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, कहाँ पर आपका जो है वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रही है, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, कहाँ पर वेसाइकल्स बनना है, कितने प्रकार के वेसाइकल्स होते हैं, लाइसोएंजाइम्स क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, ठीक है ना। तो तभी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने मेटाबॉलिज्म आपका लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एंड, देखो आप दो चीज़ की टेंशन मत लेना, एक तो यूनिट नंबर 30, एक तो यूनिट नंबर 30 एंड यूनिट नंबर आपकी जो मतलब ये जो आपका मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, इसको तो मैं इन दोनों को तो मैं अगर एग्जाम के 15 दिन पहले भी स्टार्ट करूंगा ना, मैं तब भी आपको डिटेल में समझा दूंगा इन दो यूनिट को, ठीक है ना, इन दो चीज़ों को, ठीक है। तो आप इन दोनों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो तो मैं आपका बिलीव जो है टूटने नहीं दूंगा, और क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। क्योंकि देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको बस एक बार जिस प्रकार से बुक में लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक से पढ़ाता हुआ चले जाऊँगा, मैं आपको इतनी मेहनत नहीं करवाऊँगा। मान लो आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, मान लो आपको अगर देखो, मैं यहाँ पर कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। टॉपिक तो चल ही रहा है, टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं जो कि है आपको इतना, एक सेकेंड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पेन, अगर आपको इतना सारा पढ़ना है, तो अगर मैं आपकी लाइफ में आया हूँ, तो मैं वो आपको इतना नहीं पढ़ने दूंगा, मैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको स्पेसिफिकली इतना पढ़ाऊंगा, और इसमें भी आपको बेटर से बेस्ट पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो, अब एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपका हर, ये नहीं कि आपकी पूरी की पूरी मतलब हर जगह से क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन के कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं जहाँ से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि वो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, इस पोर्शन से, इस पोर्शन से, इस पोर्शन से, इस पोर्शन से, तो मुझे पता है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, मैं वही चीज़ आपको पढ़ाने
की कोशिश करूँगा जहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखो एक एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको बहुत कुछ बता सकता है, ठीक है ना। तो हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ गाइज, उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा करो, लेक्चर को 1 से 2 बार सुना करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी हो यार, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता, मुझसे पूछो कमेंट में, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपका कमेंट में जवाब ना दिया हो, या फिर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ रहे हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जवाब ना दिया हो। आपको पता है मैं PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम बात करते हैं, मतलब चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात हो, मैं आपके हर रेस्पॉन्स को जवाब, मतलब हर रेस्पॉन्स देता हूँ। देखो व्हाट्सअप, अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो मैंने जो है आपको सब्सक्रिप्शन में इसका जो आपका टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का लिंक है वो दे दूंगा। अभी आओ एंड ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए अब देखो, बहुत टाइम हो गया बात करते हो, अब बात करते हैं प्लाज्मा लिपो प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। प्लाज्मा लिपो प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपका लिपो प्रोटीन है, लिपो प्रोटीन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक आपका लिपो, दूसरा आपका प्रोटीन, ठीक है ना। एक है लिपो, दूसरा आपका प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर देखो, जो आपका जैसे कि ये लिपो प्रोटीन है, तो यहाँ पर लिपिड है प्लस प्रोटीन है। क्या क्या है? लिपिड है प्लस प्रोटीन है। तो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो अब क्या है, आपके शरीर में जो लिपिड होता है, लिपिड जो होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन शो कर देता है। अब मान लो आपके शरीर में कोई सी सेल जो है, सेल का डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है, सेल का डिग्रेडेशन हुआ। अब इस सेल के अंदर क्या है कि आपके जो है वे बैड लिपिड पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे लिपिड पाए जा रहे हैं, अगर वे आपकी बॉडी में स्टोरेज हो तो उनसे क्या होने वाला है, उनसे हो सकता है कि मतलब हमें कोई डिजीज हो जाए, जेनेटिकल डिजीज हो जाए, ठीक है ना, या फिर कोई दूसरी डिजीज हो जाए, ठीक है। जेनेटिक मतलब जो हमारे बच्चों में चली जाए, हमसे हमारे बच्चों में चली जाए, ठीक है ना, इस प्रकार की कोई डिजीज हो सकती है। तो इस जो ये जो आपका जो सेल डिग्रेडेशन हुआ है, इससे जो लिपिड निकली है, इससे जो लिपिड निकली है, उस लिपिड को डिग्रेड करने के लिए, उस लिपिड को डिग्रेड करने के लिए हमें लिपो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। हमें लिपो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है लिपो प्रोटीन, हम अभी बात करेंगे। तो एक तो हो गया ये आपका डीनोवो पाथवे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डीनोवो पाथवे, जहाँ पर आपका जो है एंडोजीनियसली प्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब जो आपका लिपिड है, लिपिड का जो है फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है ना। एंडोजीनियसली लिपिड जो है, लिपिड आपके शरीर में जो है बन रही थी, ठीक है। बन क्या मतलब कि जो आपके सेल्स है, जब वो ब्रेकडाउन हुई तो इस जो जितने भी सेल्स में आपका लिपिड्स था, वो लिपिड स्टोर ना हो, एक तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर वो स्टोर होती हो जाती है, तब उसको हम एंडोजीनियसली बोलेंगे, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनियसली, एंड डीनोवो पाथवे से हम उसको जो है बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ऐसा होता है कि हम कुछ डाइट में भी आपका लिपिड लेते हैं, ठीक है ना, कुछ हम अपने डाइट में भी लिपिड का यूज करते हैं। तो जो हमने डाइट में लिपिड का यूज करा है, कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता होगा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो माउथ से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का स्टमक से होता है, जबकि जो आपका लिपिड्स एंड आपके विटामिन्स होते हैं उनका इंटेस्टाइन से होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका इंटेस्टाइन में लिपिड पहुँचता है, तो यहाँ से जो है लिपिड का डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, और ये जो लिपिड है आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो अब इस लिपिड का जो आपके शरीर में बाहर से कोई लिपिड आई है, या फिर आपके शरीर में अंदर ही कोई लिपिड बनी है, तो अब इनका डिग्रेडेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि इनको समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बट अब कंडीशन एक आती है कि जो देखो आपके शरीर में जो लिपिड है, आपके शरीर में जो लिपिड है उसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक। उसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर से रिपल करेगी, वाटर से क्या करेगी, रिपल करेगी। और आपकी बॉडी क्या कैसी बनी हुई है, तो आपके शरीर में आपको भी पता है कि 70% वाटर है, 70% वाटर है, वाटर में हमारा वो ब्लड हो सकता है, ब्लड में प्लाज्मा वगैरह पाए जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको भी पता है, इसके साथ साथ सेल्स पाए जाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स।
तो यानी कि एक प्रकार से एक्वाइस नेचर का हमारा जो है शरीर है, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे शरीर में लिपिड बनी हुई है, अब ऐसा तो है नहीं कि लिपिड जहाँ पर आपके मतलब ख़राब लिपिड है वहीं पर इसका डाइजेशन हो रहा है। इसके डाइजेशन के लिए यानी कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा इस लिपिड को, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि नेचर ने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो आपकी लिपिड है, मान लो ये आपका कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल इकट्ठा हुआ, या तो आपके डाइट के रूप में हो सकता है जिसको हम एग्जोजीनियसली बोल देंगे, ठीक है ना। अगर ये हमारी डाइट के रूप में इकट्ठा होता है, ठीक है ना, जिसको हम बाहर से लेंगे, अगर ये आपकी डाइट के रूप में इकट्ठा हुआ होता है तो इसको बोलेंगे हम एग्जोजीनियसली। और अगर ये आपके सेल मतलब जो सेल के अंदर ही बनना है यानी कि डीनोवो हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपके शरीर के अंदर ही बनना है, तब इसको बोलेंगे हम एंडोजीनियसली, ठीक है ना। तब इसको क्या बोलेंगे हम एंडोजीनियसली। तो अब क्या हुआ, मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन में आपका लिपिड था। अब इंटेस्टाइन में ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो मतलब पूरा का पूरा आपका डाइजेस्ट हो जाए इंटेस्टाइन में, वो आपका लीवर में भी जा सकता है, वो आपका फिर प्लाज्मा मतलब ब्लड सेल्स में भी जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको ट्रैवल करने के लिए, इस लिपिड पार्ट को ट्रैवल करने के लिए अपने आप को कैसा बनाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक शो करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक है। तो अगर हाइड्रोफोबिक होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल से जाकर के अटैच हो जाएगा और वाटर के कांटेक्ट में आने से बचेगा, अगर हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो। बट इसको अब क्या करना है, इसको शरीर को हमारे शरीर को मतलब डाइजेस्ट करवाना है, खत्म करवाना है। तो हमारा शरीर क्या करेगा, अब इसके ऊपर जो हमारा लिपिड है इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेगा, इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेगा। और वो जो लेयर होगी, वो जो हमारी लेयर होगी वो कैसी होगी, वो होगी हमारी प्रोटीन की लेयर, ठीक है ना, प्रोटीन की लेयर। अब क्या होगा, जब अब ये हमारी प्रोटीन की लेयर हो जाएगी तो अब हमारा जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है वो बन जाएगा अब आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का। वो कैसा बन जाएगा, आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का। और जब हाइड्रोफिलिक नेचर का बन जाएगा ये, तो क्या होगा, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा है यानी कि जो हमारे ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर अब ये आसानी से मूव कर सकता है, उसके अंदर आसानी से मूव कर सकता है। क्योंकि ब्लड प्लाज्मा कैसी है आपकी, मतलब जो आपके ब्लड है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और अब इसने अपने आप को खुद भी हाइड्रोफिलिक बना लिया है क्योंकि इसने प्रोटीन को अपने चारों ओर कवर करवा लिया है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इसने अब अपने कोर में रख लिया है यानी कि अंदर रख लिया है, ठीक है ना। तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और बड़े ही कंफर्टेबल जोन में अपना अपने आप का मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है, ठीक है ना। तो जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे लिपोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से आपकी होती है। आई होप आपको लिपोप्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा कि जो लिपिड होते हैं, अभी तक मैंने क्या समझाया आपको कि जो आपके लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के चारों ओर एक मैम्ब्रेन बन जाती है। ये मैम्ब्रेन क्यों बनती है, क्योंकि इस लिपिड्स को चाहे वो एग्जोजीनसली हो चाहे वो एंडोजीनसली हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए इस लिपोप्रोटीन का बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इसको दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, एक होता है आपका प्रोटीन का पार्ट, दूसरा होता है आपका लिपिड का पार्ट। क्योंकि अब ऐसा होता है कि प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम बात करेंगे TG आपका आ सकता है, ठीक है ना, TG आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका आ सकता है, फॉस्फोलिपिड्स आपका आ सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉस्फोलिपिड आपका आ सकता है। फिर इसके बाद कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ सकता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कोलेस्ट्रॉल से किस प्रकार से अलग होता है, ये आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है एंड ये आपका कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका एसाइलेशन हुआ होता है, एस्ट्रिफिकेशन हुआ होता है इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, इसलिए इसको कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ प्रोटीन्स आ जाती हैं, इसके साथ साथ और भी कुछ प्रोटीन होती है, जैसे कि आपका VLDL, ठीक है ना, जैसे कि आपका क्या VLDL, LD, HDL, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HDL, LDL,
LDL, या फिर आपका साइक्लोमाइक्रोन, इसको मैं पढ़ता हूँ चाइक्लोमाइक्रोन, ठीक है ना। इसका प्रोनंसिएशन भी बड़ा अच्छा आता है, चाय लाओ माइक्रोन, ठीक है ना, चाय लाओ माइक्रोन आगे लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये इतनी सारी जो प्रोटीन्स होती है, इतनी सारी जो आपके लिपिड्स होती हैं, ये क्या काम करती है, कभी कभी तो ये हमारे लिए गुड होती है, मतलब अच्छी होती है, बट कभी कभी हमारे लिए बैड होती है। और अगर बैड होती है तो इनकी मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अब इन सब की मेटाबॉलिज्म करने के लिए लिपोप्रोटीन पार्ट बनता है, मतलब कि इनके ऊपर जो है एक कवरिंग बन जाती है प्रोटीन की। अब प्रोटीन भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है ना, प्रोटीन भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जो यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं अपोलिपोप्रोटीन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अपोलिपोप्रोटीन, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका अपोलिपो प्रोटीन, ठीक है, आगे लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको यहीं पर लिखना है। अपोलिपो प्रोटीन बोलते हैं, और ये काफ़ी प्रकार की होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, जैसे कि अपो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अपो आपका 48, अपो 48, ठीक है ना, अपो 100, अपो 100, ठीक है, अपो 100, अपो ई, ठीक है, अपो अपो ई, ठीक है, अपो डी, इसी प्रकार से आपकी डी होती है, एंड इसी प्रकार से आपकी एक और होती है अपो 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 सेकंड, ठीक है, अपो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होती है, बट यहाँ पर जो सेकंड जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, सॉरी। और जो इस प्रोटीन का काम होता है वो काम कैसा होता है, एक तो मैंने बता दिया कि ट्रांसफ़र कराने का, ट्रांसफ़र कौन करा रहा है आपका, प्रोटीन ही करवा रहा है, ठीक है ना, एक तो हो गया आपका ट्रांसफ़र कराने का। दूसरा, ये एक टैग की तरह काम करता है, ये किसकी तरह काम करता है, टैग की तरह काम करता है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल, अब आपको लिगेंड रिसेप्टर क्या होते हैं ये आपको शायद ना पता हो, लिगेंड रिसेप्टर क्या होते हैं, तो सिंपल सा समझो आसान भाषा में कि जो आपका प्रोटीन है ये दूसरी जगह किसी भी मॉलिक्यूल को पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। मेनली कैसा होता है, लीवर में होता है, मेटाबॉलिज्म में आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि मान लो आपका इंटेस्टाइन से कोई भी लिपिड ने अपना जो है लाइपोप्रोटीन रूप बनाया, ठीक है ना, लाइपोप्रोटीन रूप बनाया। अब यहाँ से क्या होगा कि देखो, अब ये अपोप्रोटीन क्या करेगा, दूसरा काम भी करता है कि एंजाइम्स, याद रख लेना, एक एंजाइम्स को भी आपका, एक नहीं काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स का एक्टिवेशन भी अपोलिपो प्रोटीन के थ्रू होगा। जैसे कि यहाँ पर जो आपका एंजाइम्स लगने वाला है इंटेस्टाइन में वो बनेगा लाइपेज, ठीक है ना, कौन सा एंजाइम्स बनेगा, लाइपेज बनेगा, ठीक है, लाइपेज बनेगा। अब मान लो ये पहले स्टार्टिंग में टीजी था, अब ये टीजी था तो ये जब लाइपेज पे काम करेगा तो ये अपने जो बेसिक फंक जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें टूट जाएगा। तो वो क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका टीजी होता है वो ग्लिसराइड यानी कि ग्लिसरॉल से मिलकर के बना हुआ होता है, प्लस फैटी एसिड, ठीक है ना, ग्लिसरॉल एंड प्लस फैटी एसिड में टूट जाएगा ये वाला आपका पार्ट। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स, इस लाइपेज एंजाइम्स का एक्टिवेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो भी आपका यही प्रोटीन कर रही है, ठीक है ना, यही प्रोटीन आपके एक्टिवेशन का काम कर रही है। अब देखो यहाँ से जो है प्रोटीन तो अलग हो गया, बट ये जो आपका कवर का पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट बचा है, प्रोटीन का पार्ट बचा है, अब ये क्या होगा, ये आपका चला जाएगा लीवर में, ठीक है ना, ये कहाँ पर चला जाएगा, लीवर में। मैं आपको एक जर्नल बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की और रिकॉग्नाइजेशन की बात बता रहा हूँ। तो ये चला जाएगा आपका कहाँ पर, लीवर में चला जाएगा। लीवर में जाने के बाद ये क्या होगा, लीवर के जो MHC मोलिक्यूल होते हैं, मेजर हिस्टोकंप्लेटिविटी नहीं पता कोई बात नहीं, हम जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे, वहाँ से जा करके मेम्ब्रेन को, मतलब उस MHC को ये आइडेंटिफाई करेगा, रिकनाइज करेगी ये प्रोटीन, और उससे अटैच हो जाएगी, उससे क्या होगी, अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रोटीन होती है वो तीन प्रकार के फंक्शन करती है। पहला क्या, पहला तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी, पहला क्या करेगी, एंजाइम्स का एक्टिवेशन करेगी। दूसरा ये क्या काम करेगी, ये रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, क्या करती है, रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, यानी कि किसी भी सेल के ऊपर जो MHC मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी, उनको पहचानेगी, उनसे अटैच हो जाएगी, ठीक है ना।
और क्या होगा आपका, एक प्रकार से एंडोजीनियसली पार्ट बनेगा, यानी कोई भी सेल होगी, अब मान लो आपकी ये सेल है लीवर के अंदर, यहाँ से आपका जो ये हमारा खाली जो प्रोटीन बन गया था, क्योंकि इसके अंदर जो लिपिड था वो तो हमारी ब्रेक डाउन हो गई है, वो तो हमारी ब्रेक डाउन हो गई है, अब ये जो है ये अंदर की ओर आएगा, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोजीनियसली, ठीक है ना। तो ये अंदर की ओर आएगा, और जब आपका अंदर की ओर आएगा तो यहाँ पर जो है देखो, या पहला काम तो इसका जो प्रोटीन थी एंजाइम्स को एक्टिवेशन करने का काम हो गया, दूसरा काम रिकॉग्नाइज करवाने का था, यानी कि इस सेल से इसका अटैचमेंट जो होगा उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें लिगेंड रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट आता है वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये तीसरा काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, ये तीसरा काम क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो आपका लिपोप्रोटीन होती है, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन होती है, ये क्या काम करती है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो देखो ये था आपका बेसिक, अब तक हमने पढ़ा बेसिक, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मज़े से पढ़ रहे हैं, मज़े से ही पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जो आपकी लिपोप्रोटीन्स होती है वो क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ लिपिड्स एसोसिएट विद द प्रोटीन दैट सर्व एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर लिपिड इन द लिम्फ एंड ब्लड, यानी कि इन्होंने क्या बोल दिया कि आपके जो लिपिड का क्लस्टर होता है, लिपिड का जो मतलब क्लस्टर को आप बोलेंगे हिंदी में कि मतलब एक प्रकार से ढेर, ठीक है ना, जो लिपिड का ढेर होता है वो क्या होता है प्रोटीन के साथ मिलकर के आपका क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, और वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लिम्फ में हो सकता है, ब्लड दोनों में हो सकता है। आपको पता होगा जो आपके शरीर का लिक्विड पार्ट होता है वो दो चीज़ बनाता है, एक तो बनाता है लिम्फ पार्ट एंड एक बनाता है आपका ब्लड पार्ट, ठीक है ना, लिम्फ अलग होता है ब्लड अलग होता है, ठीक है ना। जब आप स्ट्रक्चर देखते हो एक ब्लू कलर का चमकता है आपको, एक आपको नीले कलर का, सॉरी एक ब्लू कलर का चमकता है एक रेड कलर का चमकता है, तो जो रेड कलर का चमकता है उसको RBC यानी कि ब्लड बोल देते हैं, और जो आपके दूसरे कलर का हो सकता होता है दूसरा कलर, ये वैसे तो लिम्फ जो आपका कलरलेस होता है तो इसको किसी दूसरे कलर से हम शो कर देते हैं, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रख लेना। तो देखो जो आपका लिपोप्रोटीन था यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक पूरा लिपोप्रोटीन का आपका पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग खोल करके देखा तो ये बाहर की साइड में जब आप देखोगे, यानी कि आप जब ऊपर की साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर आपको प्रोटीन वाला पार्ट नज़र आएगा, ठीक है ना, प्रोटीन वाला पार्ट नज़र आएगा, और उसमें भी स्पेसिफिकली क्या होगा फास्फोलिपिड होगा, ठीक है ना, फास्फोलिपिड होने वाला है, ठीक है। यानी कि बाहर की ओर कैसा नेचर होने वाला आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होने वाला है, जबकि आप जब इसके अंदर जाओगे तो अंदर आपको TG मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर मिलेंगे, VLDL मिलेंगे, LDL मिलेंगे, HDL मिलेंगे, ये क्या होते हैं, तो इनकी बात हम करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये वाला डायग्राम पीछे वाला समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो अब और पढ़ लेते हैं लिपोप्रोटीन का, अब थियरी तो पढ़नी है, बाकी जितना समझाने का था मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर देखो जो लिपोप्रोटीन होता है वो डिस्टिंग्विश बाय द साइज एंड डेंसिटी, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, तो वे अलग करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज डेंसिटी, और इसी के साथ साथ उनके अंदर जो कंटेंट पाया जा रहा है, ईच कंटेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और उनके अंदर जो लिपिड प्लस प्रोटीन का किस प्रकार से कंटेंट पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो आपका लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन को हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज डेंसिटी एंड आपका जो अमाउंट है, जो आपका अमाउंट है किसका लिपिड एंड प्रोटीन का, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना कि देखो जितना डेंस होगा, जितना डेंस होगा, अगर कोई चीज़ जितनी डेंस होगी तो उसका साइज उतना ही कम होने वाला है, ठीक है ना, साइज उतना ही कम होने वाला है, ठीक है, यानी कि जो अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो जो जितनी डेंस हो, जो जितनी कॉम्पैक्ट हो, तो उस कॉम्पैक्ट का जो साइज होगा वो कैसा होने वाला है, वो आपका कम होने वाला है। अगर डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी कम है यानी कि यहाँ पर जो है कॉम्पैक्शन कैसा है, कॉम्पैक्शन आपका वो कम है, यानी कि यहाँ पर रुई, आप अब लोहे को और रुई को समझ लो, अगर लोहा है 1 किलो लोहा है,
तो लोहा जो है आपका, लोहे की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, कंपेयर टू साइज, साइज कम होगा, लोहा ज़्यादा जो है कॉम्पैक्शन रहेगा। जबकि अगर आप बात करोगे रुई की, जिसको हम कॉटन बोल देते हैं, ठीक है, अगर कॉटन देखोगे 1 किलो लोगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, बट साइज जो है, सॉरी यहाँ पर जो है नीचे वाला एरो आएगा यानी कम वाला, बट यहाँ पर जो रुई का साइज है वो ज़्यादा होने वाला है। तो ये आपको मैंने क्यों बताया, मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहता था कि साइज एंड डेंसिटी आपका अपोजिट कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है ना, क्या सा कैरेक्टर रखते हैं, अपोजिट कैरेक्टर रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। द मोर लिपिड द लोअर डेंसिटी, तो इसको हम आगे देखेंगे, हम बात करेंगे कि आपका HDL, BLDL, चाइक्लोमाइक्रोन्स ये क्या होते हैं, उनमें किस प्रकार से आपकी डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है ना। ये आपका एक लिपोप्रोटीन दे रखा है, वही के सबसे ऊपर पाया जाएगा आपका फास्फोलिपिड, बीच में आपके कोलेस्ट्राइल ईथर पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसरॉल पाए जाते हैं, ठीक है ना, नॉन पोलर लिपिड्स होते हैं जो कि आपके कोर पार्ट में पाए जाते हैं, सॉरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन लगी हुई होती है, ठीक है ना, इंटीग्रल प्रोटीन लगी हुई होती है। तो इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो देखो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स किस प्रकार से होते हैं। तो क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन क्या होता है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोई भी पार्टिकल किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है, इसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस माइक्रो माइग्रेशन, ठीक है ना। जब हम जैल इलेक्ट्रो जब हम यूनिट नंबर 13 पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे जैल, आपका जैल फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होता है, जब हम आपकी क्रोमेटोग्राफी देखेंगे तब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है कोई भी मतलब चार्ज, ठीक है ना, कोई भी चार्ज कह सकते हो आप। फोरेसिस का मतलब होता है एक प्रकार से मूवमेंट, ठीक है। तो इसका मैं मतलब जो ट्रू मतलब है वो आपको मैं वहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर और लंबा लेक्चर सही नहीं। देखो इस लेक्चर में केवल समझने के लिए है, आपको ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है, बट लेक्चर इंपॉर्टेंट है ये। तो लिपोप्रोटीन डिफर इन देयर साइज, डेंसिटी, वेट, केमिकल कंपोजिशन एंड आर्थोजेनिसिटी, यानी कि एसोसिएशन विद हार्ट डिजीज, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है ना, उसको आपका एरिथ्रोसेलेसिस बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसेलेसिस बोल देते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने आर्थरोजेनिसिटी बोला है, ठीक है ना, आर्थोजेनिसिटी बोला है, तो कोई बात नहीं, आर्थोजेनिसिटी ही सही। इसके बाद देखो लिपोप्रोटीन क्लासेज आपकी जो होती है, पहले नंबर पर आता है आपका चाइक्लोमाइक्रोन्स। अब देखो कोई सा साइक्लोमाइक्रोन्स पढ़ता है, कोई सा चाइलोमाइक्रोन्स पढ़ता है, मैं तो इसको सिंपल सा चाइलोमाइक्रोन्स पढ़ता हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग में देखा, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बोलता हूँ चाइलोमाइक्रोन्स। जब भी चाय का जिक्र आता है तो मैं लिपोप्रोटीन को याद कर लेता हूँ किसी ना किसी बहाने से, कि हाँ चाइलोमाइक्रोन्स हो रहा है, तो चाइलोमाइक्रोन्स मतलब यहाँ पर हमारी बात चल रही है आपकी लिपोप्रोटीन की, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका ये जो चाइलोमाइक्रोन्स होता है, ये आपका इंटेस्टाइन यानी जो आपकी आंत होती है वहाँ पर जो है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है चाइलोमाइक्रोन्स का। इसके बाद नंबर दो पे आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि BLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन IDL। इसको बेसिकली कोई पढ़ता नहीं है, तो इसको यहाँ पर सभी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि LDL आता है, फिर आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है। तो इसको हम बोल सकते हैं नंबर 3 एंड इसको बोल सकते हैं हम नंबर 4, क्योंकि हमारा ये जो है कट गया है, ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया है। अब एक चीज़ और आती है चाइलोमाइक्रोन्स रेमिनेंट। चाइलोमाइक्रोन्स रेमिनेंट क्या होते हैं, उसकी बात हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली चाइलोमाइक्रोन्स को देखेंगे, VLDL को देखेंगे, LDL को देखेंगे, HDL को देखेंगे, और देखेंगे कि किस प्रकार से पैथोलॉजी में यहाँ पर इनकी जो है वो जांच होती है, ठीक है ना, किस प्रकार से आपका VLDL, LDL या फिर आपका HDL निकाला जाता है, ठीक है ना, जितने भी आपके हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिपिड प्रोफाइल कराई जाती है, ठीक है।
ये सारे के सारे टेस्ट आपके लिपिड प्रोफाइल में आते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी आपको इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर यहीं पर मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँ तो याद रख लेना, इनका जो सीक्वेंस है, जो इनका ऑर्डर है, वो इसी प्रकार से याद रखना, ठीक ना। इसी प्रकार से याद रखना कि नंबर वन आपका चाइलो माइक्रोन्स है, नंबर सेकेंड आपका वी एल डी एल है, नंबर तीन आपका एल डी एल है, एंड नंबर फोर आपका एच डी एल है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे, तो जो आपका प्रोटीन है, वो क्या होगा, वो तो होगा इंक्रीज, ठीक है ना, वो होगा आपका इंक्रीज, ठीक है ना, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे। बट जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे, अगर हम बात करेंगे लिपिड के बारे में, तो वो भी आपका घटता हुआ जाएगा, वो भी क्या होगा आपका घटता हुआ जाएगा, जो इसके अंदर लिपिड भरा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाइलोमाइक्रोन्स में आपका लिपिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जो प्रोटीन होता है वो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है ना। तो चाइलोमाइक्रोन में स्पेसिफिकली आपका जो टीजी होता है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रख लेना। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो आपका, जैसे कि यहाँ पर प्रोटीन इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, तो इसी के साथ साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है ना, वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। और इसी के साथ साथ जो आपकी फास्फोलिपिड है, यानी कि याद रख लेना, फास्फोलिपिड है, वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, तो तीन फैक्टर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, वो कौन कौन से, प्रोटीन, आपका पहला नंबर का प्रोटीन, दूसरा होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, तीसरा होता है आपका फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। ये आपके जो है तीनों के तीनों कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। बट यहाँ पर लिपिड के लिए क्या कंडीशन बैठ रही है कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे, तो लिपिड कंटेन आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। लिपिड कंटेन कैसा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा आपका, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो जैसे कि हमने साइज़ के ऊपर बात करेंगे, जैसे जैसे हम साइज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर हाई डेंसिटी है, यहाँ पर देखो एच डी एल का मतलब क्या देखा था, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, एल डी एल का मतलब लो डेंसिटी लिपिड, आई डी एल का मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड। यानी कि यहाँ पर हाई डेंसिटी है तो साइज़ देखो सबसे कम है, ठीक है ना, साइज़ देखो क्या है, सबसे कम है यहाँ पर। यहाँ पर जो है, जो आपका सिटी होती है वो सबसे कम होती है, और ये क्या है आपका चाइलोमाइक्रोन्स है, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, बट साइज जो है, याद रखना साइज क्या है, साइज आपका काफ़ी ज़्यादा है, साइज आपका कैसा है, काफ़ी ज़्यादा साइज है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सी एम का मतलब क्या है, चाइलोमाइक्रोन्स, वी एल डी एल का मतलब क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, आई डी एल का मतलब क्या है, लो डेंसिटी लिपिड, एलडीएल का मतलब क्या, सॉरी आईडीएल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड्स एंड हाई डेंसिटी लिपिड, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रख सकते हो, लिपिड या फिर लिपोप्रोटीन, आप जो भी प्रोनंसिएट करना चाहो वो अच्छा है आपके लिए। तो याद रखना यहाँ पर जो है, कुछ प्रोटीन को आपको याद रखना कि यहाँ पर आपको जो भी आपकी सीएम से लेकर के एलडीएल तक प्रोटीन मिल रही है, वो सब में कैसी मिल रही है, अपो बी नाम की प्रोटीन मिल रही है, जो मेजर प्रोटीन है। बट यहाँ पर आपको एचडीएल में अपो ए वन मिल रहा है, ए वन एंड ए सेकेंड आपको यहाँ पर प्रोटीन मिलने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जब आप लिपिड की बात करोगे, तो सी एम के अंदर, यानी कि चाइलोमाइक्रोन्स के अंदर आपको टी जी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, वी एल डी एल में भी आपको टी जी की कंटेंट देखने को मिलेगा। बट आपको जब आई डी एल, एल डी एल, एच डी एल पर पहुँचोगे, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल इस्टर, ठीक है ना, या फिर इसको कोलेस्ट्राइल इस्टर के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा कम जो बता रहा हूँ, तो इस बात को याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू इनको पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि स्टेटमेंट के थ्रू इनको पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखो सेम कंडीशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया आपको कि जो आपका टीजी है वो ऑलमोस्ट 84% पार्ट बना रहा है आपका चाइलोमाइक्रोन्स में, जबकि वीएलडीएल में जो आपका टीजी है वो 50% भाग बना रहा है, और जो आपका एलडीएल हो चाहे फिर आपका एचडीएल हो, यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर, याद रख लेना कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये दो बात अब पता लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं, और देखो सेम वही डायग्राम, मतलब रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिक की,
कि देखो आपके पास जो सीएम है, उस पे कौन कौन सी प्रोटीन है, ये ऊपर की साइड में जो दिख रही है ये क्या है, ये आपकी प्रोटीन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। यहाँ पर V48 प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है सीएम के अंदर, जबकि आपका VLDL जो होता है, V100 जो प्रोटीन होती है वे आपकी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रख लेना। यहाँ पर देखो HDL में आपको सी सेकेंड नाम की जो ये प्रोटीन है ये नहीं भूल, जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तब आप इन प्रोटीन का रोल देखोगे कि इन प्रोटीन का आपका क्या रोल होने वाला है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप इधर की साइड में जा रहे हो, साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, साइज कैसा होता चला जा रहा है, वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, बट यहाँ पर डेंसिटी आपकी बढ़ती हुई चली जा रही है। क्या हो रहा है, डेंसिटी यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। अब देखो फंक्शन क्या होता है लिपोप्रोटीन का, मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, एक सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लिपिड इन द प्लाज्मा बाय द प्रोटीन पोर्शन, यानी कि प्रोटीन पोर्शन के थ्रू, क्योंकि प्रोटीन कैसा होता है आपका, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और प्रोटीन पोर्शन के थ्रू ही ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दूसरा ट्रांसपोर्टिंग देयर लिपिड्स कंटेंट टू फ्रॉम टिश्यू, यानी कि टिश्यू के थ्रू ये जा सकता है। अब इसका पाथवे क्या होता है कि मान लो कोई ह्यूमन है, ठीक है ना, ह्यूमन में थोड़ा सा जो लिपोप्रोटीन होता है वो कम मतलब डेवलप होता है कंपेयर टू एनिमल। एनिमल के अंदर जो लिपोप्रोटीन ये पार्ट होता है, यानी कि लिपिड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये आपका ज़्यादा डेवलप होता है इन द केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे कि कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल का डिकम्पोजिशन हुआ, सॉरी डिपोजिशन हुआ, यानी कि इकट्ठा हुए, और आपको एक डिजीज मतलब जो एनिमल्स हैं उसमें एक डिजीज हो जाएगी, जिसको बोलेंगे एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक ना, एथ्रोस्क्लेरोसिस उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस सिंपल सा है, यही आपको देखना है, बाकी कोई नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बता ही दिया है जो लिपोप्रोटीन है वो आपके कितने प्रकार के हैं, बेसिकली चार प्रकार आपको याद रखने हैं। नंबर पहला आपका चाइलोमाइक्रोन्स, दूसरा आपका वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, ये आपको भूल जाना है, इसको याद नहीं रखना है। तीसरा आपका LDL होता है, नंबर फोर आपका HDL होता है, ठीक है ना, HDL आपका होता है, ठीक है। बस इनको ही याद रखना है, इनमें देख लेना कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बढ़ रहा है, प्रोटीन कहाँ पर बढ़ रहा है, आपका जो लिपिड कहाँ पर बढ़ रहा है, या फिर इसके बाद जो है फास्फोलिपिड कहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अगर आप चलोगे कि फंक्शन क्या होते हैं चाइलोमाइक्रोन्स के, तो सबसे पहली बात जो चाइलोमाइक्रोन्स होता है, चाइलोमाइक्रोन्स आपका इंटेस्टाइन यानी कि आंत में बनता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपने बाहर से डाइट ली है, जो इतनी भी बाहर से डाइट ली है, अब उस डाइट में आप लिपिड भी ले रहे हो, लिपिड हो सकता है कि आपके जो है शरीर में जा करके डाइजेस्ट ना हो, या फिर अगर डाइजेस्ट होना है उसको तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तब वहाँ पर होता है चाइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन। क्या होगा, चाइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, चाइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन होगा। मोस्ट लिपिड इज TG, यानी चाइलोमाइक्रोन्स के अंदर जो मोस्ट लिपिड होते हैं वे कौन से होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन के पार्ट होते हैं जैसे कि अपो फर्स्ट, अपो सेकंड, अपो 48, अपो सी, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर अपो 48 का मतलब क्या है कि भाई देखो, इसके अगर इसका मोलिकुलर वेट नापोगे तो यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर वेट है वो आपका 48 डाल्टन निकलेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको मतलब ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खाली इनके नाम याद रख लेना। डिलीवरी फैटी एसिड वाइट लिपोप्रोटीन लाइपेज, मैंने आपको बताया कि लाइपेज को क्या करेगा, जो प्रोटीन होगा वो लाइपेज को एक्टिवेट कराने का काम करता है, यानी कि जो इस चाइलोमाइक्रोन्स के ऊपर जो प्रोटीन पाई जा रही है वो क्या काम करेगा, वो आपका लाइपेज को एक्टिवेट कराएगा, ठीक है ना। चाइलोमाइक्रोन्स रेमिनेंट्स क्या होते हैं, देखो रेमिनेंट्स मतलब बचा हुआ पार्ट, रेमिनेंट्स का हिंदी मतलब होता है बचा हुआ पार्ट। तो लिपोप्रोटीन पार्टिकल दैट रिमेन आफ्टर ए चाइलोमाइक्रोन हैज ए लॉस्ट ऑफ इट्स फैटी एसिड, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी चाइलोमाइक्रोन्स अपना फैटी एसिड तोड़ देते हैं, कब कब छोड़ते हैं ये, जब इस पर चाइलोमाइक्रोन्स पर आपका एक एंजाइम्स काम करेगा जिसका नाम है लाइपेज, जिसका नाम क्या है, लाइपेज एंजाइम्स है। अब लाइपेज ने काम किया इसके ऊपर, ठीक है ना, लाइपेज ने काम किया, लाइपेज कहाँ से आया, तो लाइपेज को एक्टिव करवाया था जो चाइलोमाइक्रोन्स के ऊपर प्रोटीन पाई जा रही है उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने एक्टिवेट करवाया था
एक्टिवेट करवाने के बाद लाइपेज ने क्या काम करा कि इसके अंदर जो टीजी पाया जा रहा था यानी कि ट्राइग्लिसराइड पाया जा रहा था, इसको मतलब इसका ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन क्या हम करेंगे, एक तो आपका ग्लिसरॉल होगा, ठीक है ना, या फिर ग्लिसराइड भी बोल सकते हैं उसको, ग्लिसरॉल होगा। दूसरा आपका फ्री फैटी एसिड होगा, ठीक है ना, दूसरा क्या होगा, फ्री फैटी एसिड होगा। तो जो आपका बचा हुआ या रेमनेंट होता है यानी कि स्टाइलोमाइक्रोन के बाद जैसे लाइपेज ने काम किया, तो जो बचा हुआ या रेमनेंट होता है वो कहलाता है आपका चाइलोमाइक्रोन्स रेमनेंट, ठीक है ना। ये टेकअप बाय लीवर, ये लीवर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्स्टेंट रीयूज और रिसाइकिल। इसका या तो डिग्रेडेशन कर दिया जाता है या फिर इसको दोबारा से रीयूज कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं लिपोप्रोटीन प्रोफाइल, यानी कि आप अगर कोई भी आपको एक हार्ट वाला पेशेंट मिलता है, ठीक है, तो उसकी क्या होता है कि पैथोलॉजी लैब में हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, ठीक है ना, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। अलग अलग पैथोलॉजी लैब में अलग अलग अमाउंट हो सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, कितनी छोटी सिटी में रह रहे हो। बट अगर मैं बात करूं कि लिपोप्रोटीन में कितना खर्चा आता है, तो लिपोप्रोटीन में आप जान करके हैरान हो जाओगे कि मात्र आपका 25 से 30 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है ना। कितने रुपये का खर्चा आता है, 25 से 30 रुपये का खर्चा आता है इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री के थ्रू किए जाते हैं। एक बायोकेमिस्ट्री के लिए एनालाइजर होता है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जिसको बोल देते हैं, उसके थ्रू जो है सीरम, अब जो आपका क्या होता है स्टार्टिंग में लिया जाता है, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में जिसकी भी हमें लिपिड प्रोफाइल करवानी है, लिपिड प्रोफाइल में सबसे पहले देख लो क्या क्या टेस्ट आते हैं। एक तो आता है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट आता है स्टार्टिंग में, LDL आता है, VLDL आता है, ठीक है ना, और क्या आता है यहाँ पर, इन्होंने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, VLDL आता है, ठीक है ना, VLDL आता है, HDL आता है, एंड आपका TG आता है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट आपके आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 टेस्ट आते हैं मोस्टली, जो मोस्टली होते हैं। वैसे एक टेस्ट और होता है जिसको LP बोल देते हैं, बट LP हम इतना LP को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 टेस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, इन 5 टेस्ट में जो आपका मैक्सिमम खर्चा है वो बता रहा हूँ 25 से 30 रुपये आता है, ठीक है ना, 25 से 30 रुपये आता है। और लेकिन पैथोलॉजी वाले इसी का चार्ज क्या ले लेते हैं आपसे, कहीं पर 400 रुपये है, कहीं पर आपका क्या है 500 रुपये है, जैसे जहाँ जैसे सिटी में जाओगे आप वैसा खर्चा आने वाला, ठीक है ना, वैसा खर्चा आने वाला। क्यों, क्योंकि देखो पैथोलॉजी लैब वाले को भी अब काफ़ी जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, रियलिटी वाली बात है। मेडिकल में बस मुझे यही सिस्टम ख़राब लगता है। आप देखो जैसे कि कोई भी पैथोलॉजी वाला है तो पहला सबसे पहले अपने वर्करों को देगा, पहली बात अपने वर्करों के लिए निकालेगा, दूसरी बात जितनी भी उसके मशीन है जो भी उसका केमिकल लग रहा है उसके लिए पैसा बचाएगा वो, ठीक है ना, तीसरी बात उसमें वो अपनी मजदूरी भी निकालेगा, एंड सब ये तो ये तीनों चीज़ देखी जाए, तीनों चीज़ देखी जाए बड़े आराम से देख लेगा वो। लेकिन भाई साहब उसकी कमर जब टूटती है, जब वो कमीशन का पैसा देता है पूरे के पूरे 50%, ठीक है ना, कहीं पर 40% है, कहीं पर 50% है। इवन आप अगर हॉस्पिटल में कोई से भी लैब देखते हो ना, हॉस्पिटल में जो आपको पैथोलॉजी लैब मिलती है वे डायरेक्ट वहाँ पर 55% चलता है, वहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट 55% चलता है। देखो एक छोटी सी, मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन ये बुराई वाली बात है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि एक जो आपका पैथोलॉजी लैब होती है, वैसे तो उसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, यूरिन, स्टूल, स्पोटम, ये सब टेस्ट होते हैं। बट ब्लड में ही मैं देखो अब आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे मतलब मैं सोच रहा था कि आपको बताऊँ कि एक छोटा सा टेस्ट लेकर के चलते हैं जिसको बोलते हैं हम CBC, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं CBC, सेल ब्लड काउंट, ठीक है ना, सेल ब्लड काउंट नॉर्मली नाम दे देते हैं, वैसे हम सेल ब्लड कार्पोलस भी बोल देते हैं इसको, और भी काफ़ी सारे नाम से जाना जाता है, बट नॉर्मली हम सेल ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपके मेनली 9 टेस्ट आते हैं, ठीक है ना, मेनली क्या होता है 9 टेस्ट आते हैं, जिसमें आपका HB हीमोग्लोबिन जिसको हम बोल देते हैं, TLC टोटल लिक्योसाइट काउंट, HB, TLC, DLC, HB, TLC, DLC, ESR नहीं आता, MCV, PCV, MCH, MCHC, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके 9 टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना, तो 9 टेस्ट आ जाते हैं। अब ये 9 टेस्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कितने रुपए का खर्चा आता है, तो देखो
अगर हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, इस सी वी सी को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैन्यूल, ठीक है ना, या तो इसको मैन्यूल कर सकते हैं या फिर हम इसको सेल काउंटर से कर सकते हैं। सेल काउंटर क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें हम ब्लड का सैंपल सक कराते हैं, ठीक है ना, और वो हमें रीडिंग देती है तुरंत हैंड टू हैंड, ठीक है, वो हमारे सारे के सारे सेल्स बता देती है काउंट करके कि हमारे शरीर में कौन कौन सी और कितनी लिमिट में सेल्स है, चाहे प्लेटलेट हो, ठीक है ना, HBTLC, DLC, ESR प्लेटलेट, MCV, PCV, MCH, MCSC, तो ये आपकी क्या होती है, ये सेल्स होती है जो कि स्पेसिफिकली टेस्ट होती है CVC में। तो अगर सेल काउंटर के थ्रू हम करते हैं जांच, तो इसमें लगता है आपका बफर, इसमें क्या लगता है बफर, बफर का खर्चा क्या होता है, एक एक जो एक टेस्ट होता है, एक CVC होती है, उसके लिए आपको जो हाईएस्ट है, मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट 9 से लेकर के 10 रुपये खर्चा आता है, ठीक है ना, 9 से लेकर के 10 रुपये खर्चा आता है सेल काउंटर के अंदर एक CVC को करने में, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर एनवेलप का खर्चा है जिसमें आपकी रिपोर्ट मतलब बंद करके देते हैं, रिपोर्ट के अंदर जो पेपर लग रहा है, अगर मैं उसका सब चीज़ का खर्चा अगर 5 रुपये मान लूँ, वैसे 5 रुपये जाता नहीं है क्योंकि एनवेलप आपका 1.5 रुपये का एक एनवेलप मिलता है, और 1 रुपये का अगर मैं एक पेपर मान के चलूँ, ठीक है, तो वो हो जाता है प्लस जो प्रिंटर होता है उसका खर्चा। यानी कि यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट आपका क्या हो रहा है, 15 रुपये में जो है वो टेस्ट हो रहा है, प्लस जो इसको टेक्नीशियन करता है, जो भी टेक्नीशियन करता है वो उस टेक्नीशियन का खर्चा मान सकते हो। बट यहाँ पर जब भी आप कभी CVC करवाने जाते हो ना, तो CVC के आपसे हो सकता है 250 रुपये ले लिए जाए, कहीं पर 250 रुपये लिए जाते हैं, कहीं पर आपसे 300 रुपये लिए जाते हैं, कहीं पर आपसे 200 रुपये भी लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर टेस्ट कितने का हो रहा है, 15 रुपये का, भाई 15 रुपये का हो रहा है। अगर एक बार बताऊँ, अगर डॉक्टर अपना कमीशन छोड़ देना, तो भाई साहब आपको CVC कोई भी लैब वाला, मैं यहाँ पर लैब वाले की गलती बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि देखो भाई उसको लेबर, उसको जो अपने मतलब जो वर्कर होते हैं, जो स्टाफ होता है, उसका खर्चा देना पड़ता है, अगर मशीन में कुछ ख़राबी होती है मशीन का खर्चा देना पड़ता है, ठीक है ना, मशीन में बाई चांस कुछ हो गया, एरर आ गया, तो उसकी खराबी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बफर काम ना करे, पूरा का पूरा बफर ख़राब हो जाता है, उसका खर्चा देना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है किसी भी पैथोलॉजी वाले के बाद, वो आती है कि जब वो डॉक्टर को 50% कमीशन देता है ना, जब 50% 55% कमीशन डायरेक्ट जो है डॉक्टर की जेब में जाता है, यहाँ पर मैं सभी डॉक्टर एक से नहीं होते, ठीक है ना, इस बात को भी याद रख लेना, बट 90% डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कमीशन लेते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बेचारे कमीशन नहीं लेते। जब मैं पैथोलॉजी पर काम करता था, एक्चुअली मैंने पैथोलॉजी पर काम किया, तो मुझे पैथोलॉजी का सभी चीज़ आते हैं, हार्मोन्स तक के टेस्ट मैं लगाता हूँ, ठीक है ना, मतलब लगाता हूँ क्या, लगा लेता था। तो मतलब यही था कि कुछ डॉक्टर थे बेचारे जो बोल देते थे कि आप एक काम करो, जो मेरा 50% है, मगर मेरा कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसे लेस करके तब पैसे जोड़ो उसके। तो उन डॉक्टर के लिए दिल से सलूट निकलता था भाई, उन डॉक्टर के लिए दिल से सलूट निकलता था। बट कोई अगर कोई डॉक्टर ऐसे होते थे कि उसने कोई पेशेंट भेजा, जैसे ही उसने पेशेंट भेजा है ना, और उसको पता लग गया कि हाँ ये अब लैब पे पहुंच चुका है, तो उस डॉक्टर का तुरंत फ़ोन आता है कि बताइए क्या क्या करा, कितने रुपए का लिया गया है, और मेरा पेमेंट आप कब करोगे, ठीक है ना, उस डॉक्टर का तुरंत फ़ोन आ जाता है। तो भाई साहब ऐसे डॉक्टर ना कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं होते, ठीक है, पैसा कितना कमा ले बट लास्ट में आकर के निकल जाता है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें इस बात से मतलब नहीं है, तो एक सेकंड, सॉरी, ठीक है, किसी काम से एक काम पड़ गया था, जाना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो हम लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहे थे। तो जब भी मतलब डॉक्टर की बात सोचता हूँ कि यार ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं, तो दुख लगता है ना, क्योंकि यार गरीब का पैसा ले रहा हो तुम, माना तुमने अपनी पढ़ाई में पैसा लगाया, 50 लाख रुपए तुम्हारे MBBS में गए, फिर तुमने MD कराई, तो यार कुछ तो दुनिया का फ़ायदा करो, सब एक जैसे बन जाएंगे तो कैसा होगा, ठीक है ना। या पता, मैं आज तक कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं पैसों के पीछे नहीं भागा, इसलिए मैं बाहर से सबको दुखी लगता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत अपने आप को सेटिस्फाई, मुझे अच्छे से नींद आती है, बड़े अच्छे से नींद आती है, क्योंकि मेरे पे किसी का उधार नहीं है, ठीक है ना, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं करा, बल्कि मैं अपना जो हूँ मतलब अपना योगदान जहाँ पर भी जो जितना भी मेरे से बन पाता है, मैं अपना कंट्रीब्यूशन देने का जो है ट्राई करता हूँ। तो बस सबसे बड़ी बात यही है यार, अगर आप फ्यूचर में अगर आपसे कोई डॉक्टर है, या फिर कभी आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओगे, तो उनको बस इतना इतना ज्ञान देना, इतनी शिक्षा देना
कमाने वाली जगह कमाएं और ना कमाने वाली जगह ना कमाएं, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर पैसा नहीं जाता, ऊपर जाते हैं आपके कर्म, आपके जितने भी कर्म होते हैं, जो भी आपका, जो भी आपने ज़िंदगी भर में अच्छे काम किए हैं, वे अच्छे काम आपके साथ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है ना, और अगर धरती है तो कहीं ना कहीं भाई स्वर्ग भी है, ठीक है ना। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहीं पर इंसान अपने दुख दर्द जो भी होता है, सुख दुख सब यहीं पर है, यहीं पर नरक है, यहीं पर सुख है, ठीक है। तो चलो वो बात अलग है, ठीक है, बट कोई नहीं, कभी कभी दिल की बातें हो जाती हैं, तो कोई नहीं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं लिपो प्रोटीन प्रोफाइल की, यानी कि लिपिड प्रोफाइल की। इसको क्या होता है, इसको लिपिडीमिया भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, डिसलिपिडीमिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या है कि यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल है, और आपका LDL है, HDL है, एंड आपका TG है, और इसके साथ साथ BLDL की भी जाँच वहाँ पर होती है, ठीक है ना। इनकी जाँच करने के लिए पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका कोई भी पेशेंट है, पेशेंट के अंदर से ब्लड निकाला जाएगा, ठीक है ना। पेशेंट के अंदर से ब्लड निकाला जाएगा, फिर इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करा जाएगा। सेंट्रीफ्यूज इस ब्लड को किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज का क्या मतलब होता है कि आपका जितना भी ब्लड का हैवी मटेरियल है, जितना भी ब्लड का प्लाज्मा सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स बची हुई है, ठीक है ना, वो सब नीचे की तरफ यहाँ पर पैलेट में आकर के सेडिमेंट हो जाएंगी, और जो आपका ऊपर का पार्ट भाग बचेगा, ये वाला ऊपर का भाग बचेगा, इसको बोलेंगे सीरम। इसको क्या बोलेंगे हम, सीरम, ठीक है ना। सीरम के थ्रू ही हम लिपिड प्रोफाइल की जांच करते हैं, ठीक है ना। सीरम के थ्रू ही हम क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल की जांच करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके देखो जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, मैंने आपको बताया जो स्पेसिफिकली दो पढ़ेंगे, HDL एंड आपका LDL। लेवल इन द ब्लड कैन बी यूज्ड एक्सेस वन रिस्क ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। ये आपकी एक डिजीज है, एथरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कैड सिस्टम जो है जनरेट होता है, यानी कि आपका क्या होता है, जो भी आपका हार्ट होता है, ठीक है ना, जैसा भी हार्ट होता है, यहाँ पर खैर मैं नहीं बना सकता, बट ये आप अपना हार्ट मतलब समझ लेना इसको, कि ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है आर्टरी भी आती है, यहाँ पर वेन भी आती है, ठीक है ना। तो इनमें जो आर्टरी या फिर वेन होती है, इनमें ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, ब्लॉकेज आता है, जिसमें क्या होता है, आपका फैटी एसिड जम जाता है, ठीक है ना। फैटी एसिड जम जाता है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कि हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल जम गया हो सकता है आपका TG जम गया हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को आपको आप क्या बोलते हैं, एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें HDL एंड LDL जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है कि अगर आपका HDL ज़्यादा है, अगर HDL ज़्यादा है मतलब जो लेवल है अगर उससे ज़्यादा है, तो HDL आपके लिए सही है, यानी कि हाई लेवल ऑफ HDL ही कंसिडर एज ए गुड। इसलिए क्या होता है कि दिस इज वाई HDL इज समटाइम्स रेफर्ड एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो वो मैं अभी आपको एक लाइन में बता दूंगा, पहले थोड़ा सा समझ लो। और इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए हमारे ब्लड में, तो मोर देन 14 mg/dL, ठीक है ना। DL मतलब डेसीलीटर, ठीक है, इन गुड अमाउंट। ये मतलब आप जब कभी भी अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाते हो, तो उसमें HDL आपका मोर देन 400 mg/dL होना चाहिए, यानी कि mg/dL, ठीक है। इसके बाद जबकि आपका अगर LDL, जो आपका LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अगर आपका हाई लेवल में है, तो ये आपके लिए बैड कंडीशन रखने वाला है, ठीक है ना, बैड कंडीशन रखने वाला है। दिस इज वाई LDL इज समटाइम रेफर एज बैड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए हम जो LDL होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या होना चाहिए, जो इसकी कंडीशन है वो अगर हमें गुड कंडीशन रखनी है, तो लेस देन 100 mg/dL रखनी चाहिए, और अगर बैड कंडीशन में जा रहा है, अगर ये मोर देन 100 पहुंच गया, मोर देन 100 इसकी जो है अमाउंट आ गई है आपके ब्लड के अंदर, तो ये तब बैड की तरह शो करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि LDL होता है, उसकी वजह से आपको 5-6 डिजीज हो सकती है, ठीक है ना। कौन कौन सी, जैसे कि आपका नॉर्मल आप सुनते होंगे हार्ट अटैक वगैरह, तो LDL की कमी से मतलब हो जाती है आपको, तो इतना मतलब आपको
यहाँ पर जो है किसी भी मतलब जो डिजीज़ है उसे जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना कि LDL जो होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये HDL गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, क्योंकि देखो भाई अगर आपके शरीर में LDL कहीं पर जमा हो रहा है ना, LDL की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तब ये HDL क्या करेगा, इस LDL को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है हमारे शरीर के, ठीक है ना, हेल्प करता है इस LDL को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसलिए HDL को हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये LDL को समाप्त करता है, यानी कि एक प्रकार से एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप लगता है, इसलिए ये HDL जो है हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, अब एक डिजीज़ आती है जिसको बोला गया है यहाँ पर हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर में हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिडीमिया मतलब लिपिड कंटेंट का ज़्यादा होना, लिपिड कंटेंट का ज़्यादा होना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपका LDL की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, LDL की मात्रा बॉडी में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो आपकी डाइट के थ्रू हो, यानी कि जो इतना आपने खाया उसके थ्रू हो, या फिर आपका डीनोवो पाथवे हो, ठीक है ना, डीनोवो पाथवे हो, उसके थ्रू क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो देखो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा है कि पहले स्टार्टिंग में तो आपकी जो आर्टरीज थी या फिर वेन थी वो इस प्रकार से क्लियर थी, बट यहाँ पर जैसे ही आपका LDL यानी कि जमना स्टार्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपके जो ब्लड में जो है हाई मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है, हाई मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तो अगर हाई मात्रा में पाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि आर्टरी या फिर वेन में आपका जो है कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट होगा, और जब कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो सही से जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, इसलिए आपकी जो आर्टरीज या वेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। क्या होता है, आर्टरी एंड आपकी वेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जहाँ से आपका शरीर जो है पैरालिसिस में चला जाता है, ठीक है ना, तो आपका शरीर पैरालिसिस में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे लिए खतरनाक होता है। अब LDL मेथड मतलब किस प्रकार से हम जो लैब होती है लैब के अंदर लिपिड प्रोफाइल को शो करते हैं वही है, तो चलो हम आगे देखने वाले हैं। तो याद रख लेना जिस प्रकार से हम LDL मेथड मतलब जो अपना कोलेस्ट्रॉल या फिर जो भी हम लैब में टेस्ट करते हैं उस मेथड को बोलते हैं फ्राइडवाल्ड कैलकुलेशन, ठीक है ना, कौन सी कैलकुलेशन बोलेंगे, फ्राइडवाल्ड कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन क्या है हम देखने वाले हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से आपका जो है लिपिड का यूज करते हैं। तो नंबर वन रहता है आपका ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम TG के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, कौन सा रहता है, TG, ठीक है ना, TG रहता है आपका, TG। नंबर सेकंड आपका रहता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इसको CH के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं सही से ही लिखने की कोशिश करता हूँ इसको, रुको, यहाँ पर एक होगा आपका TG, एक क्या है TG, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को मैं यहाँ पर CH बता लिख रहा हूँ, क्योंकि हम CH ही लिखते थे जब मैं पैथोलॉजी लैब में था, CH लिखते हैं। इसके बाद HDL, HDL को हम यहाँ पर HDL ही लिखेंगे, LDL को हम LDL ही लिखेंगे, और एक और आपका आता है VLDL, ठीक है ना, क्या आता है VLDL, ठीक है ना, VLDL। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में अब आपका एक फार्मूला याद रखना है कि देखो जो आपका चाइलो माइक्रोन था, अब जो आपका चाइलो माइक्रोन था उसमें क्या हो रहा था कि उसमें जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो क्या कैसी मात्रा में था, वो बहुत ही कम मात्रा में था, वहाँ पर आपका TG ज़्यादा था, ठीक है ना, वहाँ पर क्या था आपका TG ज़्यादा हो रहा था, यानी कि देखो मैंने आपको बताया जो आपके लिपो प्रोटीन है वहाँ पर आपका क्या क्या पाया जाने वाला है, एक तो चाइलो माइक्रोन्स होता, ठीक है ना, एक तो था चाइलो माइक्रोन्स, एक क्या था आपका फिर VLDL था, VLDL था, देन दूसरा क्या था आपका LDL था, LDL था, और तीसरा क्या था आपका यहाँ पर HDL था, ठीक है ना, HDL था। तो चाइलो माइक्रोन्स में आपका जो कोलेस्ट्रॉल था कोलेस्ट्रॉल कम था, कोलेस्ट्रॉल कम था, बट यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो है TG ज़्यादा था, ठीक है ना, चाइलो माइक्रोन्स में TG ज़्यादा था, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है, तो इसलिए चाइलो माइक्रोन्स को हम जो है जो अपनी कैलकुलेशन है उसमें लिखते ही नहीं है, उसमें लिखते ही नहीं है, तो हम VLDL LDL एंड HDL को ही मान करके चलते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है VLDL LDL एंड आपका HDL में, तो हम इसी को ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं।
तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, उसमें आपका एचडीएल पाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो माइनस सी लिखा हुआ है इसको कुछ मत समझना, ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसके फुल फॉर्म पर चलेंगे तो। यहाँ पर इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, कभी इस माइनस से आप कन्फ्यूज हो जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको। तो एच डी एल एल डी एल प्लस बी एल डी एल यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल किससे मिलकर के बनना है, एच डी एल से, एल डी एल से एंड आपका वी एल डी एल से मिलकर के बन रहा है। तो नंबर वन आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला। मैथ वाले अच्छे से जानते हैं, बायोलॉजी वालों को कभी कभी लेट याद आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। तो मान लो अगर आपको एग्जाम में एच डी एल दे दिया, एल डी एल दे दिया, बी एल डी एल दे दिया, आपसे कहा गया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल निकालो या फिर कोलेस्ट्रॉल निकालो, सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला रखोगे आंसर आपके सामने, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अगर इसके बाद आपसे कह दिया कि भाई एल डी एल निकालो, एल डी एल निकालने के बाद आपको क्या क्या दिया गया है, आपको एच डी एल दिया गया है, टोटल कोलेस्ट्रॉल दिया गया है एंड बी एल डी एल दिया गया है, तो यहाँ पर जो देखो फॉर्मूला बनेगा, अगर हमें इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करो तो देखो टी जो आपका यहाँ पर हमें मान लो एल डी एल के लिए निकालना है, एल डी एल, ठीक है ना, यहाँ पर एल डी एल, ये एल डी एल है, यहाँ पर एल डी एल के लिए निकालना है, तो एल डी एल बराबर में क्या कर सकता हूँ, तो अब यहाँ पर क्या बचे, एच डी एल बचे एंड बी एल डी एल बचे। अब ये दोनों तो पॉजिटिव में है तो मैं उठा करके इसको इधर ले आऊँगा, यानी कि इधर क्या है हमारा ऑलरेडी, इधर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी कि टी सी एच है हमारा, इधर टोटल कोलेस्ट्रॉल है प्लस जो हमने मैं इधर लेके गया हूँ, सॉरी ये माइनस होने वाला है, ठीक है ना, ये क्या होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल में से माइनस होगा, बट क्या माइनस होगा आपका एच डी एल, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है एच डी एल प्लस, क्योंकि ये तो दोनों प्लस होंगे ना, ये दोनों आपके कैसे होंगे प्लस होंगे, ये दोनों प्लस होंगे एंड बी एल डी एल, ठीक है ना, एच डी एल एंड आपका वी एल डी एल प्लस होने वाले हैं, ठीक है ना, वी एल डी एल प्लस होने वाले हैं। तो आप नॉर्मल सा ये वाला फार्मूला रखोगे जब आपको कोलेस्ट्रॉल एच डी एल एंड बी एल डी एल दिया गया होगा, बट यहाँ पर एक और कंडीशन आती है थोड़ी, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको बी एल डी एल एग्जामिनर नहीं देगा, बी एल डी एल नहीं देगा, वो आपको देगा टी जी, ठीक है ना, वो क्या देगा, वो आपको टी जी देने वाला है। तो टी जी के लिए घबराना नहीं है, आपको याद रखना है जो आपका, यहाँ पर मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर याद रखना आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको याद रखना है जो आपका वी एल डी एल होता है, ये जो आपका वी एल डी एल है ये किसके बराबर होता है, वी एल डी एल बराबर होता है वन अपॉन फाइव, ठीक है ना, यानी कि अगर आप देखो यहाँ पर टैग अपॉन फाइव, ये रेशो आपको याद रखना है कि जो आपका टैग एंड कोलेस्ट्रॉल कॉन्स्टेंट का रेशो है यहाँ पर जो है 5/1 होने वाला है, यानी कि जो आपका देखो वी एल डी एल बराबर क्या होगा, टैग अपॉन फाइव, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका वी एल डी एल होता है वो वन अपॉन टैग के बराबर होता है, यानी कि बी एल डी एल बहुत ही आपका क्या होने वाला है, वो बड़ी फॉर्म होने वाली है टैग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपको बस खाली ये याद रखना है कि वी एल डी एल अगर आपको नहीं दिया, अगर आपको टैग दिया है तो आप यहाँ से बी एल डी एल निकाल सकते हो, टैग अपॉन फाइव कर सकते हो, टैग अपॉन क्या कर सकते हो आप, फाइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है ना, इतना ही ध्यान देना है बस आपको, केवल यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि क्या बताया कि पहला फॉर्मूला आपका ये वाला बन रहा है, दूसरा फॉर्मूला ये वाला बन रहा है, अगर आपको एच डी एल वी एल डी एल दे दिया गया है एंड आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको वी एल डी एल नहीं दिया गया तो आपको दिया जाएगा टी जी, आपको क्या दिया जाएगा, आपको तब दिया जाएगा टी जी यहाँ पर, और टी जी दिया गया है तो टी जी अपॉन फाइव करेंगे हम तो हमारा वी एल डी एल निकल करके आ जाएगा, क्योंकि रेशो ऑफ टी ए जी रेशो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ वी एल डी एल इज 5:1 यानी कि 5:1 होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो, तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, यहाँ पर याद रख लेना। अगर स्पेसिफिक टेस्ट वैसे तो कभी पूछे नहीं जाते, कि ट्राइग्लिसराइड के लिए अगर पूछा जाता है तो एंजाइमेटिक एंड पॉइंट मेथड होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज टेस्ट होता है,
एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए डायरेक्ट एंजाइमेटिक कोलोरीमेटिक मेथड होता है, एलडीएल के लिए डायरेक्ट एंजाइमेटिक कोलेट्रीमेट्रिक मेथड होता है, ठीक है ना। यानी कि एलडीएल एंड एचडीएल जो है आपके वो डायरेक्ट एंजाइमेटिक कोलोरीमेट्री मेथड के थ्रू हो रहे हैं, जबकि टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज परोक्सीडेज के थ्रू हो रहा है, एंड टीजी आपका एंजाइमेटिक एंड पॉइंट मेथड के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करेंगे इनके बारे में कि इनके ऊपर मैं क्वेश्चन ले आऊँगा, बट आप मुझे बता देना कि क्वेश्चन आपको करने हैं या नहीं, क्योंकि गेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है इनके ऊपर एंड सीएसएआर में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपको याद रखना है बीएलडीएल बराबर क्या होता है, 1/5 आपका टैग, 1/5 टैग होता है यहाँ पर, ठीक है। बस यही आपकी कहानी थी, इस मेथड को आपका फ्राइड वाल्ड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बस यहीं तक आपकी कहानी थी, तो भाई साहब इसके बाद हम इसको करते हैं समाप्त इस लेक्चर को, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और लिपिड आज आपका टोटली समाप्त हो चुका है। अब बात करेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो गाइस तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।